तो ये है 50,000 रुपए वाला कमरा और ये है 500 रुपए वाला कमरा। और आज की वीडियो में हम दोनों कमरों को कंपेयर करेंगे और चेक करते हैं कि कौन सा कमरा बेहतर है। इस चैलेंज को शुरू करते हैं। तो अभी मैं और सुभान कमरे के अंदर जा रहे हैं। सुभान रेडी हो? मुझे लगता है गलत कमरा दे दिया। मुझे भी ये लग रहा है। अभी तो बाहर नहीं जा सकते। क्या है? इतना सेफ क्यों है यहाँ पे सारा? ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये शॉपर है। शॉपर में से तार गुजर रही है। ये लाइटें जा रही हैं। मुझे लगता है कोई खंभा भी लगा हुआ, कोई यूफोन। सुबह ये भी तो देखो कि दो दो बिस्तर है इन्होंने इतना अच्छा। ओ माय गॉड, ये निशान किस चीज के है? ओ ये क्या है? हमने कुछ भी नहीं देखा यार, ये सारा बाहर आ गया। हाँ हाँ है। ओ आजे 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 आजे। देखिए बात ये है कि खुशी का मौका हो मेरे पास, मेरे हैप्पी बर्थडे वाले चश्मे ना हो तो मजा कैसे आएगा। मैंने कहा मैं आप लोगों को कमरा दिखा दूं क्योंकि ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा कमरा जिसमें मैं रह चुका हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि बिस्तर है हमारे पास और इस बिस्तर में कसम से मैं इतना एक्साइटेड हूँ सोने के लिए क्योंकि ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तकिया कम से कम 2 किलो का होगा लेकिन इट्स सो सॉफ्ट कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी सो जाऊं। लेकिन अभी हम सो नहीं सकते क्योंकि दिस इज अ रूम टूर। आजे आजे आजे। इन्होंने हमें फ्रेश सेब दिए हैं। सर्दियों में चलता है ड्राई फ्रूट, तो उन्होंने कहा कि ड्राई फ्रूट खाओ हमजा, बादाम, पिस्ता और वॉलनट। और उसके बाद अगर हम इस तरफ आए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने चाय कॉफी का पूरा सामान रखा हुआ है और मैं हमेशा कहता हूँ लेस डिप्रेसो मोर एस्प्रेसो। और फिर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या सीन है इस कमरे का, इतने पैसे बनते हैं इस कमरे का या नहीं। फिर मैं आप लोगों को टीवी दिखाना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने नाम गलत लिखा हुआ है, अमीन होना चाहिए था लेकिन इन्होंने मिस्टर बॉटरंगो। ये कौन है मिस्टर बॉटरंगो? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा इन्होंने नया दिया है, ये एक अच्छी बात है यार इन्होंने। ये 500 रुपए वाला कमरा देख के मैं कोई ज्यादा खुश नहीं हो रहा, लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उन्होंने हमें दो दो साबुन दिए उसके साथ एक। अब मुझे पता है इस वक्त आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने कोई फेक किया ये और ये कोई हमने अपना कमरा बनाया, लेकिन ये हमें वाकई असल में यही कमरा मिला है। अच्छा तो इस वक्त जैसे कि आप यहाँ पे कपड़े लटकाने के लिए वो सिस्टम है और नीचे ये पाइप है, अगर किसी बॉडी को कभी छुपाना हो तो यही जगह है। इन्होंने हमें फ्री में फोन दिया हुआ है जिसपे इंटरनेट चलता है 24 घंटे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आपने इस्लामाबाद में कहीं भी फिरना हो या फोन आप लेके जा सकते हैं, ये आपका है, ये मेरा फोन है, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ उसमें। अब देखिए महंगा कमरा हो तो वॉशरूम भी महंगा होना चाहिए। वॉशरूम हो तो ऐसा हो। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे वॉशरूम का क्या सिस्टम है, इसीलिए शेविंग किट, डेंटल किट, शावर कैप, पता नहीं शावर का सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। इन्होंने पूरा का पूरा बाथरोब रखा हुआ है। सबसे जो मजे की चीज है वो है द बैथटब, मतलब इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी चीजें रखी हुई है, नहाने का पूरा सामान है। अच्छा तो सुभान मैंने तुम्हें और हमारे व्यूअर्स को एक चीज नहीं दिखाई जो मैं दिखाना चाहता, अभी तुमने सिर्फ कमरा देखा है, अभी मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वॉशरूम। तो जारी बात है देखना पड़ेगा, इतना फिट कमरा है, इतना खर्चा किया। आजा आजा। अच्छा सुभान हमसे पिछले जो मेहमान रुके थे यहाँ पे उन्होंने एक तोहफा भेजा हमारे लिए। रूह अफ़ज़ा पी रहे थे यार, या तो रूह अफ़ज़ा पी रहे थे या किसी ने किसी के नाक पे मुक्का। तुझे मिलती कहाँ से इस तरह की चीज़ें? मैंने कसम से गूगल किया था सबसे सस्ता होटल और ये वाला होटल आ गया। शावर भी है। आर यू रेडी? ओ ओ ओ ओ ओ कैमरे को पे कैमरे पे नहीं, कैमरे पे नहीं, बस बस शावर चलता है। एक चीज है जो चलती है आप। तो अब मेरे साथ आ गए सुभान, और सुभान के लिए आज बहुत सारे चीजें, आज सरप्राइजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं तुम्हें खाना खिलाने, यहाँ पे स्पा भी है और हम मसाज कराने बाद में आएंगे वीडियो में, सो कीप वॉचिंग। मसाज भी है, अभी सुभान का मसाज कराएंगे। और इस वक्त हम एक ऑल यू कैन ईट बफे में जा रहे हैं जो बहुत फैंसी है और लेफ्ट राइट बहुत सारे लोग हैं। ये लो सुभान। और आज 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 यहाँ पे है हमारे पास मीट बॉल्स, समोसे, ये केक है और केक के नीचे उन्होंने बर्फ रखी हुई है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दिस इज द लाइफ। तो इस तरह मुझे मजा नहीं आ रहा 500 रुपए में पूरा दिन गुजारने का, तो अभी हम जा रहे हैं नोनो को उठाने उसकी यूनिवर्सिटी से। हेलो, आज कैमरा क्यों ऑन कर दिया तुम? तो अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान के सबसे सस्ते कमरे में। अच्छा तो नोनो ये रहा कमरा हमारा आज का। हाँ जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत बहुत अच्छा कमरा है, अच्छा स्वीट है। हाँ ये सबसे अच्छा कमरा है। नोनो तुम्हारा बिस्तर ये वाला है, ठीक है, मैं इस वाले में सोऊंगा, मैं और सुभान और तुम इस वाले पे सोओगे। हाँ ब्रो कन्वीनियंट है, अगर मैं छलांग मारनी हो तो मैं खिड़की से छलांग मार सकता हूँ। हाँ खिड़की भी खुल जाती है और तुम छलांग मार सकते हो। लेट के दिखाओ सबको यार, मैं इतना थका हुआ नहीं हूँ यार।
बैठ तो सही नहीं नहीं यार, उधर ही फोर्थ हो जाऊंगा लेटो यार, लेटो लेटो खैर कमरे के लिए इतना ही है, बाहर जाके देखते हैं कि क्या एक्टिविटीज हैं होटल वालों के पास हमारे लिए, और बजट हमारे पास अभी के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी हमें यहाँ पे नजर आए कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब मुझे लगता है एक एक हिट तो बनती है यार, हम खेल लें आपके साथ। तीन शॉट खेल लें, चलो ऐसी बात है यार, चल चल आ जा आ जा, एक सेकंड में आता हूँ मैं। बॉल कौन कराएगा भाई? आपने काम करना है, आपने मुझे ना आराम से करानी है, और वो जो दो भाई हैं ना उनको तेज तेज करानी है, ठीक है? ठीक है चलो बस चलो चक्का। जो खड़ा हुआ है ना इसको खींच के तेज से तेज सी करानी है, ठीक है? डेड बॉल, डेड, तुमसे खेली क्यों नहीं गई, उठा ना, मार 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 रहा हूं, रुक जाओ, क्या मार ही नहीं रहा। गुड बॉल, गुड बॉल, डब्ल्यू कर दिया। सबसे मजे की चीज तो ये है कि ये रहा इनका पूल, और मैंने उनसे पूछा भी कि हम स्विमिंग कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है सुभान को अगर हम अंदर पुश करें तो क्या होगा, तो पानी बाहर आ जाएगा। नहीं, तू ना रख। अगर आप में से कोई चाहता है कि इनको धक्के मार के होटल से निकाले तो आप लोग हमें बुला लें, हमें जरूर निकलवा देंगे। क्या? अच्छा, फिर हमें केले वाला नजर आया तो हमने उसको पैसे देना शुरू कर दिया। आप देते जा रहे हैं किस लिए? मुझे समझ नहीं आ रही है, क्यों दे रहे हैं भाई, क्यों पैसे दे रहे हैं? समझा, ये तुम अभी भी केलों की पेमेंट कह रहे हो, कम लग गए हैं यार। केले के पैसे दे रहे हैं? क्या हो रहा है? किसके दे रहे हैं आप? तुम्हें समझ आ रही, पहले तो तू बातें कर रहे थे। व्हाट व्हाट? नो, मुझे नहीं आ रही। बनाना बनाना, नॉट ओके, तो महंगे होटल में घूमते घूमते सबसे पहले मैंने तबले देखे। पैसे पूरे करने के लिए सबसे पहले तो हमने वो बजाए, उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जिम भी है, तो रोल द जिम मॉन्टाज। यार स्टीम रूम भी है। वो तो अड्डी तैयार नहीं। ये तो हम नहीं खाना है, मैं कह भी रहा था कि ये ज्यादा है, ये लोग कहते हैं नहीं नहीं बहुत कम है, बहुत कम है। पहली बात तो ये है, हम चार नहीं हम छह हैं, सुबह दो कम। उस हिसाब से देख पूरे है ना, उस हिसाब से देख लो, एक सौ बहन। हाँ ट्रू, अच्छा अच्छा, आधा दर्जन। वो सबसे मजे की बात तो मैं बताना ही भूल गया कि अभी तुम लोगों के लिए मैंने बुक करवाए हैं मसाज। आधे आधे घंटे की मसाज है, आधे आधे घंटे दोनों के लिए। पूरे दिन का चाहिए, चाहिए भी मेरे से घंटे के साथ। 30 मिनट हो चुके हैं हम बाहर वेट कर रहे हैं उनका, इस वक्त वो लोग मसाज करवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा मसाज करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे कॉल आई है, आई थिंक दे डन। ऐसा था तो मैं अलग दुनिया में है, इतना अच्छा था, रिलैक्सिंग, बहुत रिलैक्सिंग। तुम्हें तो चप्पल भी इतना आती है उन्होंने। एक्सपीरियंस कैसा रेट करोगे? 10 out of 10 10 out of 10 यहाँ पे मसाजेस भी हो रहे हैं।
चलो सो जाओ, लाइटें ऑफ करो, सो जाओ। तुम इस रूम से चले गए तो मेरे पे इस वक्त अब लाइटें ऑफ हो चुकी है। सुभान फ्लैश चला रहा है और गाइस और प्लीज दुआ कीजिएगा प्लीज। तो इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं और अब सोने का टाइम आ गया। और अगर मैं सच बताऊं मैं बहुत एक्साइटेड हूं सोने के लिए। बिस्तर बहुत अच्छा है, तकिए 2, 4, 6 हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कैमरा बंद कर सो जाओ। गुड नाइट एवरीवन। इस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं। मुझे कसम से पता नहीं साथ वाले कमरे गाड़ियां हॉर्न मार रही हैं, बाहर से इतना शोर आ रहा है। साथ वाले कमरे में पता नहीं कौन सी कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं क्या बना रहे हैं वहाँ पे। पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस कमरे में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। वो सारे चले गए हैं, आई थिंक कल सुबह मिलेंगे अब। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे नहीं पता अगर इस वक्त कैमरे पे पिक हो रहा है या नहीं, लेकिन अभी तक वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं साथ वाले कमरे में। आवाज़ आ रही है आप लोगों को पूरी रात और फिर दिन के वक्त सुबह? इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं पर अभी तक ये लोग लगे हुए हैं। खैर दैट्स इट फॉर दिस रूम, आई एम गोना रेट इट 3 out of 10। और अब हम जा रहे हैं एक्सपेंसिव होटल से। बॉयज फाइनल रिव्यूज, मजे का था। 10 out of 10 डेफिनेटली 10 out of 10। और इस व्लॉग के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।